हेलो, वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फोनिक साउंड्स हो गए हमारे। अब मैं सीवीसी वर्ड्स ही पढ़ाने वाली थी, लेकिन मुझे बाद में लगा कि कुछ जो टर्म्स है सीवीसी वर्ड्स, या फिर ब्लेंडिंग, या फिर डायग्राफ, ट्राइग्राफ, ये सब जो कंसेप्ट्स है वो किसी किसी को पता नहीं होता कि व्हाट इज़ मीन बाय सीवीसी वर्ड्स, और ब्लेंडिंग क्या होता है, डायग्राफ क्या होता है, ट्राइग्राफ क्या होता है। तो मैंने सोचा कि उस एक वीडियो उस पर बना लूँ, जिसमें कि आपकी ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए कि ब्लेंडिंग क्या होती है, डायग्राफ क्या होता है, कैसे पढ़ाते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, ब्लेंडिंग में और डायग्राफ में डिफरेंस क्या है। सी वी सी वर्ड्स क्या होते हैं? सी वी सी का लॉन्ग फॉर्म है कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट्स, मतलब एक कॉन्सोनेंट, एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट एक साथ में ज्वाइन किए जाते हैं। अब वोवल्स क्या होते हैं ये आप पहले अपने बच्चों को पढ़ाए कि वोवल्स कौन कौन से हैं। आई विल सजेस्ट, जब भी आप अपने बच्चे से ए बी सी डी लिखवाओगे, तब आप जो भी वोवल्स है उसको ऐसे डिफरेंट कलर से राउंड करवा लीजिए। इससे क्या होगा कि उसको पहले से ही समझ में आएगा कि वोवल्स कौन कौन से हैं। तो ये बीच में आते हैं, ये बाकी के जो भी अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं वो है कॉन्सोनेंट्स, जिनको हमने राउंड नहीं किया है। तो एग्जांपल है सी ए टी, कैट, ये हो गया वोवल, ये हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया कॉन्सोनेंट। ऐसे दो कॉन्सोनेंट्स और एक वोवल मिलके हम लोग एक सी वी सी वर्ड बनाते हैं। अब सी वी सी वर्ड क्यों पढ़ाते हैं? ये सिंपलेस्ट वर्ड होते हैं जिससे हम शुरुआत कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये बड़े भी होते हैं सी वी सी वर्ड्स, ऐसा नहीं कि थ्री ही वर्ड्स के होते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बच्चों को हम थ्री लेटर के ही वर्ड्स सिखाते हैं। ये सिंपलेस्ट होते हैं, उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आते हैं। नाउ ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में क्या होता है? ब्लेंड मीन्स जॉइन टुगेदर, इसको एक साथ जोड़ना। तो कॉन्सोनेंट्स एक साथ जोड़ते हैं हम लोग, वोवल्स एक साथ जोड़ते हैं हम लोग। अगर ये वर्ड है सेट, तो उसको क्या करना है, पहले लुक एट द वर्ड, आइडेंटिफाई द साउंड। अब हमने फोनिक साउंड्स पढ़ाए हैं पहले, वो फोनिक साउंड्स अच्छे से करवा लीजिए, इससे ये आसानी से बच्चा कर पाएगा, आइडेंटिफाई द साउंड। अब साउंड आइडेंटिफाई करेंगे, एस स एच स एट, ब्लेंड द साउंड टुगेदर। अब हम ये जो एस का साउंड है, ए का साउंड है और टी का, उसको ब्लेंड करेंगे एक साथ, स एट, से द वर्ड सैट, सैट, स एट सैट, ऐसे बच्चा आसानी से पढ़ पाएगा। अब ब्लेंडिंग में क्या होता है कि टू और मोर कॉन्सोनेंट्स, जो भी टू और मोर मतलब थ्री भी हो सकते हैं कॉन्सोनेंट्स, ब्लेंडेड टुगेदर, ये क्या होते हैं, टुगेदर ज्वाइन करते हैं। यू कैन हियर ईच साउंड, मतलब अगर यहाँ पे ब्लैक में देखिए, बी एल ए सी के, तो ब्लैक में देखिए बी एंड एल को ब्लेंड किया है एक वर्ड। हम मराठी में सुनते हैं ना जोड़ाक्षर, वैसे ही कुछ टाइप का है ये, ब्लैक, ब्लैक लिखना है तो बी एल को ब्लेंड किया है, लेकिन हम बी का भी साउंड सुन पा रहे हैं, एल का भी साउंड सुन पा रहे हैं, मतलब ये डिफरेंट साउंड हमें सुनाई देता है। ब्लैक, फ्लैग, एफ एल का साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये हो गया टू कॉन्सोनेंट का ब्लेंडिंग। ये बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होते हैं, या फिर फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स भी होते हैं। अब बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं? जो अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, अभी ये वर्ड है ना, इसमें बिगिनिंग में आया है, सी एल ए वाई, क्ले, बी आर आई सी के, अब बी आर को ब्लेंड किया है बिगिनिंग में। यहाँ पे देखिए टास्क, यस के, इसको लास्ट में किया है ब्लेंड। बेंड, एन डी, एन डी को लास्ट में रखा है वर्ड के। तो ऐसे होता है, ये होता है बिगिनिंग कॉन्सोनेंट ब्लेंड, ये होता है फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड। अब थ्री लेटर ब्लेंडिंग भी होता है इसमें, स्ट्रीम, एस टी आर, यहाँ पे थ्री लेटर्स को ब्लेंड किया है। स्प्लैश, एस पी एल, थ्री लेटर्स को ब्लेंड किया है। तो आपको पढ़ाते टाइम क्या करना है, हाईलाइट ईच साउंड इन डिफरेंट कलर, ईच साउंड को क्या करना है, डिफरेंट कलर में हाईलाइट करना है।
फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अभी डिफरेंट कलर में इसको दिखाया है. क्यों? क्योंकि ये टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स है और टू डिफरेंट साउंड्स भी हमें सुनाई देते हैं. बी एल ए सी के, बी एल को ब्लेंड करके बिगनिंग में बी एल ए सी के, ब्लाइंड, ब्लू, ब्लॉक, ब्लेंड ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं. क्लिप, सी एल को डिफरेंट टाइप के कॉन्सोनेंट ब्लेंड वर्ड्स होते हैं. बी एल से, सी एल से, एफ एल से, जी एल से होते हैं, पी एल से होते हैं, मतलब प्ले, एस एल से होते हैं, स्लैप, एस सी, एस के, एस एम, एस एन, एस पी से डिफरेंट टाइप्स के वर्ड बनाए जाते हैं. और भी एग्जाम्पल्स हैं, डी आर से होते हैं ड्रॉप, एफ आर फ्राई, जी आर ग्रेप्स, पी आर प्रे, टी आर ट्रिप, एट्सेट्रा ऐसे वर्ड्स बनाए जाते हैं. तो ये था ब्लेंडिंग. अब हम देखेंगे डायग्राफ क्या होता है. डायग्राफ में, कॉन्सोनेंट डायग्राफ में टू कॉन्सोनेंट्स रिप्रेजेंट वन साउंड. अब देखिए इसमें क्या था, ब्लेंड्स में, ब्लेंडिंग में क्या था, टू डिफरेंट साउंड बना रहे थे. बी एल, एफ एल, ये सुनाई दे रहा था हमें, टू डिफरेंट साउंड्स, एफ का भी एल का भी, फ्लैट. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायग्राफ में एक ही साउंड बनाते हैं, एक ही साउंड सुनाई देता है. विश, एस एच को ब्लेंड किया, विश, ये हो गया डायग्राफ, विश. चिन, सी एच मिलके एक च च का साउंड बना रहे, चिन. एस एच मिलके श का साउंड बना रहे, विश. और ऐसे ही ट्राइग्राफ भी होता है, मतलब थ्री कॉन्सोनेंट्स रिप्रेजेंट वन साउंड. मतलब थ्री कॉन्सोनेंट्स क्या करते हैं, एक साउंड बनाते हैं. यहाँ पे देखिए टी सी एच, एम ए टी सी एच, मैच. अब यहाँ पे टी का ट, सी का क एंड एच का ह सुनाई नहीं दे रहा हमें, मैच. तीनों मिलके क्या बना रहे हैं साउंड, मैच. यहाँ पे वॉच, ये तीनों मिलके एक साउंड बना रहे. तो ये होता है डायग्राफ एंड ट्राइग्राफ. सेम फॉर वॉवल डायग्राफ, मतलब ये सेम रूल वॉवल के लिए भी यूज होता है. मतलब टू वॉवल्स मिलके एक साउंड बनाते हैं, थ्री वॉवल्स मिलके एक साउंड बनाते हैं. मेनी डायग्राफ्स आर कॉमनली रेफर्ड एज एच ब्रदर्स. क्यों? क्योंकि दे एंड्स इन एच. अभी ये देखिए सी एच, एस एच, टी एच, डब्ल्यू एच, पी एच, तो कॉमनली ये एच से एंड होते हैं, इसलिए इनको एच ब्रदर्स भी कहा जाता है. तो हम कुछ वर्ड्स देखेंगे एग्जांपल में. सी एच, चैम्प, चिन, चॉप, रिच, ब्रांच. एस एच से शेड, शट, ट्रैश, फिश, रश. टी एच से थिन, थाम, थैंक, विथ, बाथ. डब्ल्यू एच, वेन, वॉट, वाई, वेल, विच. पी एच से फेज, फोन, ग्राफ, फोनिक्स, फोटो, एक्सेट्रा. ऐसे डायग्राफ में वर्ड्स बनाए जाते हैं टू कॉन्सोनेंट्स से एक साउंड बनाकर. अब नाउ मैजिक ई, ई वर्ड्स. तो मैजिक ई वर्ड्स क्या होता है, लेटर ई, लेटर ई जो होता है एट द एंड ऑफ द वर्ड होता है, मतलब लास्ट में जाके ई वर्ड होता है वर्ड के. इट इज़ यूजुअली साइलेंट, इसका फोनिक साउंड हम नहीं यूज करते हैं. ये क्या होता है, साइलेंट होता है. इट इज, इट टेल्स द फर्स्ट वॉवल टू से इट्स नेम. इसके पहले जो वो वॉवल आता है जो भी, उसको ये क्या करता है, उसका नेम टेल करने के लिए कहता है, के लिए कहता है. तो कॉमनली मैजिक ई वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई, आई ई, ओ ई, यू ई. ये आप नोट करके लिख लीजिए, ये बच्चों को ऐसे याद करवा सकते हो. तो ए ई में एग्जांपल देती हूँ एक, सी ए के ई. अब यहाँ पे ई का साउंड क्या होता है, ए. ये क्या करेगा, ई क्या करेगा, साइलेंट रहेगा और ए का साउंड हम इसमें यूज करेंगे. सी ए के ई, केक, के आई टी ई, काइट. यहाँ पे भी ई साइलेंट है, आई का साउंड यूज होता है, काइट. एन ओ टी ई, नोट. ओ ई का एग्जांपल, यू ई का एग्जांपल, क्यूट, ब्लू. यू ई, यू ई, ई साइलेंट, ई साइलेंट, यू का यूज होता है फोनिक्स में. तो ये हो गए
तो ये हो गया डायग्राफ, ट्राइग्राफ, मैजिक कीवर्ड्स, ब्लेंडिंग एंड सीबीसी वर्ड्स। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगी आई होप। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन डिटेल सीबीसी वर्ड्स के एग्जांपल, ए लेटर की ब्लेंडिंग, ए फैमिली के वर्ड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।